हर हिंदुस्तानी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साहित है। इस बीच इसरो ने एक बेहद अच्छी खबर दी है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो चांद पर 2019 से है, उसमें चांद का चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के बीच संपर्क कायम हो गया है। स्वागत है दोस्त, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है, यानी दोनों के बीच दो तरफा संपर्क हो गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसरो के वैज्ञानिक इस संपर्क के बाद गदगद हैं। वहीं चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हेजर डिटेक्शन एवं अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीर चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की है जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा है, ये चांद के सुंदर क्षेत्र की तस्वीर है जिसे लैंडर चांद के हालात की जांच के लिए खींचा गया है। यानी इन तस्वीरों से ये पता चलेगा कि जहां लैंडर को उतरना है वो जगह कैसी है। फोटो जिस कैमरे से खींचा गया है वो बहुत खास है। इस कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा है, ये कैमरा लैंडर नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। रविवार की सुबह मिशन का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग ऑपरेशन यानी रफ्तार कम करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं।